हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरा चैनल टेक्निकल एक्सटेंशन पे। मैं हूं आपका दोस्त सुब्रतो। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि वर्ड में कैसे एक फोटो का बैकग्राउंड को रिमूव किया जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन लोगों को फोटोशॉप नहीं आता है या तो कोई भी फोन में ऐप इंस्टॉल करते हुए उसको बैकग्राउंड रिमूव का नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों, आपको चिंता का हैरान होने का कोई बात नहीं है, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। कुछ सीनियर लोग भी रहते हैं जो लोग वर्ड एक्सेल में काम करते हैं, वो लोगों को फोटोशॉप नहीं आता है, तो वो लोगों के लिए भी ये वीडियो है। और दोस्तों, जो लोग सीवी बनाना चाहते हैं, सीवी बनाने में आप लोगों को टाइम लग जाता है और फोटो खींचने के लिए फोटो स्टूडियो में जाना आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है, वो लोगों के लिए ये वीडियो है। तो आप लोग घर पे भी कोई भी बैकग्राउंड पे आप अपना फोटो उठा के उस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करते हुए यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हैं वर्ड में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कैसे ये काम बनता है। यहाँ पे देखिए, मेरा डेस्कटॉप में मैं रिजल्ट भी दिखा रहा हूँ और पहले कैसा था ये फोटो, ये भी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग एक नया पेज ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो कंट्रोल एन प्रेस करते हुए आपको एक नया पेज ओपन करना है। कंट्रोल एन वर्ड का शॉर्टकट है नया पेज ओपन करने के लिए। दो तरीके से आप लोग फोटो इम्पोर्ट कर सकते हो वर्ड में, एक हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप और एक हो गया मेनू से जाते हुए, इंसर्ट मेनू से जाते हुए आप लोग इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि कैसे आप लोग यहां पे, तो दोस्तों पहले मैं दिखाता हूं कि ड्रैग एंड ड्रॉप करने से क्या दिक्कत आता है। तो देखिए, मेरा यहां पे फोटो का फोल्डर खुला हुआ है। यहां पे देखिए, मैं कोई भी एक फोटो मैं ले लेता हूं, मान लीजिए कोई भी दूसरा भी फोटो, ये फोटो ही हम लेके हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, तो इसको मैं छोटा कर लिया और यहां पे देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अब देखिए दोस्तों, ये तो ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, लेकिन इसके ऊपर डबल क्लिक करने से पिक्चर टूल्स पूरी तरीके से नहीं आता है। यहाँ पे देखिए, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, रिकलर, कंप्रेस पिक्चर, रिसेट पिक्चर, ये सब ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको फुल जो पिक्चर टूल्स का यूजबिलिटी है वो आपको नहीं मिलता है वर्ड में। इसको हम लोग डिलीट करते हैं दोस्तों। आप चलते हैं इंसर्ट से, हम लोग पिक्चर से हम लोग वही फोटो को इम्पोर्ट करते हैं। देखिए, इंसर्ट कर दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ऊपर में आपका पूरा पिक्चर टूल्स फुल फॉर्मेट आ गया है। रिमूव बैकग्राउंड, करेक्शन, कलर, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, हर तरह का की यहाँ पे इफेक्ट्स भी आपको मिलेगा। ये देखिए, आपको हर तरह का की इफेक्ट्स आपको मिल रहा है विथ यहाँ पे, ये देखिए इफेक्ट्स, यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर, यहाँ पे आपका पिक्चर लेआउट, बहुत सारा चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, हर बार जब आप वर्ड में काम कर रहे हो, याद रखें आप लोग फोटो इंसर्ट मेनू से जाते हुए इंसर्ट करके फोटो को ओपन करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, ये जो फोटो ओपन हुआ है, ये फोटो बहुत बड़ा है, इसको हम लोग प्रोपोर्शनली छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये फोटो को अगर छोटा करना है तो ये कॉर्नर से आप ड्रैग करोगे अंदर की तरफ, तो ये छोटा हो जाता है। ये देखिए, छोटा हो गया। ओके दोस्तों, तो इसको पहले हम छोटा कर लेते हैं। ओके, तो ये मेरा एक फोटो हो गया, तो ये छोटा कर लिए। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक बार डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, रिमूव बैकग्राउंड बोल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से आपका बैकग्राउंड रिमूव होगा। लेकिन जितना हो सके आपको पहले क्रॉप कर लेना है। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रॉप कर लेना है पूरी तरीके से, जितना आपको पॉसिबल है। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग क्रॉप कर लिए हैं। इसके बाद बाहर पे क्लिक करते और फोटो को थोड़ा बड़ा कर लेते। तो दोस्तों देखिए, मैक्सिमम ऑफ बैकग्राउंड आपका हट गया है। ओके, इसके बाद हम लोग करेंगे रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखिए दो मार्क आया है। एक आया है फोटो का पूरा जो था, जिससे हम लोग क्रॉप करके छोटा किए, वो क्रॉपिंग मार्क्स आया, और उसके अंदर आया आपका बैकग्राउंड मास्क। तो बैकग्राउंड जो मार्क है, बैकग्राउंड मार्क को थोड़ा हम लोग बढ़ा के देखेंगे कि कितना एरिया वो ले लेता है। ये देखिए, ये फेस आ गया। इसके बाद हम लोग थोड़ा यहाँ पे बढ़ाएंगे। ये देखिए, इसका शर्ट का ये पोर्शन आ गया। ये देखिए, आपका इतना आ गया। इसके बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आपका इतना तक आ गया। ओके, तो इसको छोटा रहने दें। ठीक है दोस्त, आप देखिए कुछ कुछ एरिया ऐसा आपको दिख रहा है, जो एरिया उसका बॉडी का पार्ट जो है वो आपका बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो गया। उस एरिया को हम लोगों को सिलेक्शन करके बाहर लेके आना है, यानी बैकग्राउंड डिलीट होने के साथ वो पोर्शन ना डिलीट हो जाए। उसका कुछ तरीका ये है कि यहाँ पे देखिए, मार्क एरियाज टू कीप बोल के लिखा हुआ है और मार्क एरियाज टू रिमूव है। तो मार्क एरियाज टू कीप होता है, इस पे अगर क्लिक करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और ड्रॉ करते जाओगे तो वो एरिया आपका डिलीट नहीं होगा। और मार्क एरियाज टू रिमूव हो गया, जिस एरिया को आप मार्क करोगे वो एरिया बैकग्राउंड के साथ डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्क एरियाज टू कीप। ओके, तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा हम जूम करते हैं
ताकि आपको ठीक से समझ में आए। यहाँ पे देखिए इसका शर्ट का ये पोर्शन इसका चला गया था, तो इस पोर्शन पे ड्रॉ किए तो ये आ गया वापस। इस पोर्शन पे भी फिर हम लोग ड्रॉ करते, आ गया वापस। फेस ठीक है इनका, ओके। फिर नीचे की तरफ देख लेते हैं बस, ओके ठीक है। अब हम लोग करेंगे मार्क एरियाज टू रिमूव, ओके। अब मार्क एरियाज ये जो बैकग्राउंड का एरिया है ये हमको डिलीट करना है, तो हमको यहाँ से ड्रैग करते हुए यहाँ तक एक लाइन बना देना है। तो लाइन बना देने से देखिए इसका रिमूव हो गया, ये एक्स्ट्रा एरिया इसका ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको भी आप रिमूव कर दीजिए, ओके रिमूव हो गया। अब आते हैं साइड का पोर्शन में दोस्तों, साइड का पोर्शन में इसका ये पार्ट बैकग्राउंड का जो है ये दिख रहा है, इसको हम लोगों को रिमूव करना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग यहाँ से भी फिर आप ड्रॉ कर दीजिए एक लाइन, देखिए रिमूव हो गया। आप फिर से आपको जाना पड़ेगा मार्क एरियाज टू कीप, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एरिया जो है वो बैकग्राउंड के साथ मार्ज हो गया था, ओके। तो ये बन गया आपका, देखिए अब आपका फोटो तैयार हो गया है बैकग्राउंड रिमूव के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कीप चेंजेस। देखिए आपका फोटो का बैकग्राउंड गायब हो चुका है, और ये दोस्तों बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट ही है। कैसे आपको पता चलेगा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है वो हम आपको अभी दिखाएंगे। देखिए हम लोग क्रॉप पे फिर गए और इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लिए। तो दोस्तों ये फोटो आपका कटिंग हो गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव एज पिक्चर कर लेते हैं दोस्तों। सेव एज पिक्चर कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन रहता है, टीफ रहता है, जेपीजी रहता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स पीएनजी रहता है। हम लोगों को पीएनजी मोड में इसको सेव करना है, तो हम लोग इसको सेव करते हैं कैरेक्टर बोल के, ओके। तो ये सेव हो गया दोस्तों, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग इंसर्ट में चलते हुए, यहाँ पे जो हम लोगों का आता है शेप्स, शेप्स में चलते हुए यहाँ पे एक शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए मेरा शेप्स आ गया, और इसको हम लोग कर देते हैं सेंड टू बैक, और एक बार सिलेक्ट करके हम लोग रैप टेक्स्ट में जाके कर देंगे बिहाइंड टेक्स्ट, ओके। इसके बाद हम लोग फिर इंसर्ट में चलते हुए पिक्चर में क्लिक करेंगे, और मेरा जो वहाँ पे पिक्चर था, ये देखिए पिक्चर जो कैरेक्टर था उस पर हम लोग क्लिक कर दिए, तो देखिए आपका फोटो आ गया। अब इसको हम लोग छोटा करके यहाँ पे इसके ऊपर बिठा देंगे, तो फिर से हम लोगों को क्रॉप थोड़ा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्रॉप कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए आपका क्रॉप हो जा रहा है, देखिए दोस्तों आपका क्रॉप हो गया, और इसको हम लोग यहाँ पे लेके आके बिठाना है। देखिए ये पहले अगर ऊपर नहीं आएगा तो हम जो ट्रिक अप्लाई किए वो आप ना भूले। ये देखिए कंट्रोल जेड मैं करता हूं, इसके ऊपर अगर आप ऐसे खींचोगे तो ये ऊपर आ जा रहा है, और पहले कैसा था देखिए, ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको राइट क्लिक करते हुए रैप टेक्स्ट में जाते हुए यहाँ पे आपको करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ओके। तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने से आपको ये इसके ऊपर आप ला सकते हो। आप बैकग्राउंड को इसके हिसाब से आप सेट कर दीजिए, और इसका कोई भी डबल क्लिक करके कोई भी बढ़िया कलर डाल दीजिए। तो ये आपका फोटो बन गया दोस्तों। आप इसको अगर मान लीजिए ये आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, मान लीजिए आप ये आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, तो इसको सिलेक्ट करते हुए आप शिफ्ट दबाए और फिर से बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद देखिए दोनों सिलेक्शन बन गया है। दोनों सिलेक्शन बन जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ग्रुप कर दीजिए, ये ग्रुप का ऑप्शन है, ग्रुप कर दीजिए। तो ये ग्रुप हो गया, तो देखिए ये दोनों एक साथ ही हो गए। जब आप सिलेक्ट करोगे तो दोनों एक साथ ही सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक मजा की बात है, अब यहाँ पे एक मजा की बात ये है कि दोस्तों आप अगर कॉर्नर से इसको खींचोगे तो देखिए इसका प्रोपोर्शनली इसका मेजरमेंट कुछ चेंज, प्रोपोर्शनली ये बड़ा नहीं हो पा रहा है, इस पर कुछ दिक्कत आ रहा है। तो इसको आप मिटाओगे कैसे, तो आप शिफ्ट दबाए और शिफ्ट दबा के कॉर्नर से आप इसको छोटा करें, तो देखिए एकदम प्रोपोर्शनली ये प्रॉपरली छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। तो इसको करने के बाद हम यहाँ पे सेट कर दिए, और अगर आपको कॉपी करना है फिर से जैसा मैंने दिखाया हूँ कि शिफ्ट और कंट्रोल एक साथ दबाएं और आपको फोटो को बगल में बिठा दीजिए, देखिए आपका कॉपी बनता जा रहा है देखिए। तो इसी तरह आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो का घर से कोई भी दुकान से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, या प्रिंट आउट करने के लिए आप भेज सकते हैं आपका वर्ड फाइल को, ताकि आपका इतना पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंट हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं पासपोर्ट साइज प्रिंट करने का दरकार नहीं, जब आप कलर प्रिंट करोगे तो आपका आपका सीवी के साथ आपका फोटो भी प्रिंट हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं, फोटो को आप ऐसे बना के आप भेज सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने से जल्दी से लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा उसके ऊपर कमेंट जरूर करना दोस्तों। अगर आप नए हैं दोस्तों तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल टेक्निकल एक्सटेंशन को, बेल आइकन दबाए ताकि मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।